देश में संक्रमण की दूसरी लहर बेहद घातक साबित हो रही है। कई राज्यों ने इसकी रोकथाम के लिए लॉकडाउन लगा दिया है। इसी के कारण अब एक राज्य से दूसरे राज्य में केवल मजदूरों का पलायन चल रहा है। यात्री अब ट्रेनों में सफर करने से कतरा रहे हैं, वहीं ट्रेनों में लंबे समय से यात्रियों की कमी है। इसी के चलते अब पश्चिमी रेलवे में कुछ गाड़ियों को 20 मई तक रद्द कर दिया गया है। पश्चिमी रेलवे रतलाम मंडल ने इंदौर से होकर चलने वाली कुछ गाड़ियों को 20 मई तक रद्द कर दिया था। दरअसल पश्चिमी रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी जितेंद्र कुमार जयंत का कहना है कि लंबे समय से उत्तर प्रदेश और इलाहाबाद को छोड़कर कई गाड़ियों में यात्री दबाव नहीं है, जिसके कारण कई गाड़ियों का खाली संचालन किया जा रहा है। इसे देखते हुए अब पश्चिमी रेलवे ने इंदौर से चलने वाली रतलाम डेमू ट्रेन नई दिल्ली वाया अजमेर उदयपुर ट्रेन को रद्द कर दिया है। वहीं रतलाम ग्वालियर भिंड के लिए इंदौर से चलने वाली ट्रेन को इंदौर तक शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है। वहीं जयपुर ट्रेन को भी अब फतेहाबाद की बजाय उज्जैन नागदा रूट से चलाया जाएगा। सर, किस तरह की गाड़ियां आज बंद की गई है? देखिए, कोविड-19 जिस तरह से फैल रहा है, एक्चुअली जो कोरोना का संक्रमण बहुत तेज हुआ है, तो उसके लिए यात्रियों में जो ट्रेन से जाने का रुझान है वो बहुत कम हो गया है। अगर हम बात करें कि इंदौर से जो फतेहाबाद होते हुए जब रतलाम के लिए जो रूट है, वो बिल्कुल उस रूट पे कोई गाड़ी में लोग सवार नहीं हो रहे हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए रेल प्रशासन ने ये फैसला लिया है कि जो इंदौर से डॉक्टर अम्बेडकर नगर से रतलाम में जो डेमू चलती है, वो आने जाने में उसके दो जाने में रहती है, दो आने में चार फेरे होते हैं, उसको रद्द किया है। ये 23 अप्रैल से लेके 20 मई तक के लिए। इसके साथ में एक इंदौर से फतेहाबाद रूट से नई दिल्ली जाती है गाड़ी, जो बाया अजमेर जयपुर होते हुए जाती है, उसको भी रद्द किया गया है। साथ में कुछ गाड़ियों का शॉर्ट टर्मिनेट कर दिया है, जैसे कि पहले एक गाड़ी थी जो रतलाम से चल के इंदौर होते हुए ग्वालियर जाती थी और एक भिंड जाती थी, तो उसको इस रूट पे, क्योंकि इस रूट पे यात्री मिल ही नहीं रहे हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए रेल प्रशासन ने निर्णय लिया है कि जो ग्वालियर और भिंड से जो गाड़ी आएगी वो इंदौर तक ही आएगी और इंदौर से वापस चली जाएगी। और एक गाड़ी है जो इंदौर से बाया फतेहाबाद होते हुए जोधपुर जाती थी, उसको उसका रूट परिवर्तन किया है, क्योंकि इस रूट पे यात्री नहीं मिल रहे थे और ना के बराबर यात्री थे। जैसे फतेहाबाद में दो लोग मिल रहे हैं या चार टिकट बिक रहे हैं, तो वो मतलब नहीं होता है इतनी बड़ी गाड़ी में। तो उसको भी जो जोधपुर फतेहाबाद होते हुए चलती थी, वो जोधपुर अब उज्जैन नागदा होते हुए चलेगी। आपका परिचय सर? जितेंद्र कुमार जैन, वरिष्ठ जनसंपर्क अधिकारी, पश्चिम रेलवे, इंदौर। गौरतलब है कि लंबे समय से इंदौर स्टेशन सिर्फ केवल मजदूरों का पलायन उत्तर प्रदेश और इलाहाबाद की ट्रेनों में देखने को मिल रहा है। बाकी अन्य ट्रेनें लंबे समय से खाली चल रही है। इंदौर से जीतू माथुर की रिपोर्ट।